तर धन्यवाद धन्यवाद प्रवीणजी गायकर आणि पियुजी बाबरे बाबरे. जाऊया मागच्या दिशेने जिथे टॉस झालाय. जय कोलंबो माता. शेलू संघाने जिंकलाय टॉस आणि प्रथम स्वीकारलाय क्षेत्रक्षण आणि मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल बॅटिंग करत असताना अरवंद टीम. सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झाली. प्रेक्षकांना विनंती करेन आपण थोडस समोरच्या बाजूने बाजूला व्हायचंय. समोरच्या दिशेने जे प्रेक्षक आहेत व्यासपीठासमोर सामन्याला सुरुवात होईल आणि आजच्या रात्रीतील आपण पाहतो तिसऱ्या रात्रीमध्ये बीजेम ट्रॉफी 0505 पहिलाच बॉल यावेळेस इथे वाईड ओव्हर करण्याचा प्रयत्न भरपूर चांगला राहिलाय. गोलंदाज आपण पाहिला तर शेलू संघाच्या वतीनं भास्कर तरेला आपण पाहतोय. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा षटक आणि या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये आपण पाहिलं तर अत्यंत चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळतीय. ज्या पद्धतीने प्रत्येक गोलंदाजासाठी ही खेळपट्टी नंदनवन ठरली आहे त्याच पद्धतीने इथे गोलंदाज प्रत्येक फलंदाजावरती हावी होत असताना पाहायला मिळतात. स्ट्रायकिंगला फलंदाज जयेश आणि ऑफस्ट्रायकिंगला अक्षय. ओव्हर द विकेटने हा बॉल यावेळेस बॅटची लिडिंग एज फलंदाज होईल बाद. पहिला धक्का लागत असताना स्क्वेअर ऑफ द विकेटने मात्र टीप लाईस येईल. पहिला धक्का लागत असताना अर्बन टीमला फलंदाज जयेश बॅक टू द पॅव्हिलियन. जाऊया एक विशेष सत्काराकडे जिथे आमचे प्रियुष बाबरे या ठिकाणी जॉईंट असतील. हॅलो हॅलो विनंती करतोय. हॅलो हॅलो या स्पर्धेची आठवण भेट म्हणून सन्माननीय माजी सभापती कर्जत पंचायत समितीचे अमरजी मिसाल साहेबांच्या वतीनं या स्पर्धेचे प्रेसिडेंट भरतजी मेहरा सर यांच्या वतीने सातत्याने चांगलं काम या परिसरामध्ये होत असं त्यांच्यासाठी एक आठवण भेट म्हणून एक राधाकृष्णाची प्रतिमा त्यांना पुरस्कृत करण्यात येत्या. तो बिल्कुल राधा कृष्ण की मूर्ति देकर इन्हें सम्मानित किया जाएगा और निश्चित तौर पर बड़े हस्ती है जिनके माध्यम से इस विभाग में काफी अच्छे कार्य आदिवासी लोगों को हमेशा काफी योगदान गरीब लोगों को बिल्कुल कोविड काल में जिनके माध्यम से बिल्कुल सेवाएं दी गई मुफ्त सेवा और हर रोज राधा मीरा ट्रस्ट के माध्यम से 1500 लोगों का इलाज किया जाता है. जोरदार तालियां मेहरा साहब को. बहुत बड़ा एम्पायर उन्होंने खुद के बलबूते पर बनाया. बहुत कठिनाई है उनके जीवन में लेकिन संघर्ष करते रहे और संघर्ष करते करते आज मात्र आखिर आज भारत के टॉप बिजनेसमैन बने और जिनके माध्यम से गौर गरीबों तक. और साहब के बारे में एक जरूर कहना चाहेंगे. साहब जब एक होटल में रुके थे ना मेहरा साहब तब एक लेडीज आई थी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए अपने लड़के का निश्चित तौर पर डोनेशन करना था एडमिशन करना था लेकिन वो पैसों की वजह से एडमिशन होना मुश्किल था. खिलाड़ी की क्रोध बढ़िया थी लेकिन साहब ने चंद सेकंड का सोच भी ना करते उन्होंने 4,00,000 एक ही सेकंड में उनके अकाउंट में डाल दिए. इतनी ताकत है साहब की. और उन्होंने जाना है कि खुद ये जिस तरीके से उन्होंने ये एम्पायर खड़ा किया है वो निश्चित तौर पर उन्होंने काफी अच्छी तरीके से आज मात्र अपनी जगह बना ली. थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच. ओवर टू कमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद धन्यवाद या ठिकाणी प्रवीणजी गायकर. आपण पाहिला तर अतिशय चांगला उल्लेख आपण या ठिकाणी केला. नक्कीच आपण पाहिलं तर या स्पर्धेचे भाग्य विधाते म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं ते भरतजी मेहरा साहेब यांच्या माध्यमातून आयोजित केलेली ही ट्रॉफी आपण पाहतो बीजेएम ट्रॉफी. नक्कीच दर्जेदार आयोजन आणि आयोजनामध्ये आपण पाहिलं तर अच्छा असे भरतजी मेहरा सरांसाठी आणि विकेश मिसाल सरांचे एम्प्लॉईज आहेत
विनंती करते कि अपन स्टेज डाव्या बाजूला ऑल लेबर्स ऑल एम्प्लॉईज रिक्वेस्ट असेल आपल्याला की आमच्या मंचाच्या डावा साइडला पण याचा नो बॉलचा इशारा आलाय ओव्हर टू इन द कमेंट्री बॉक्स थँक्यू थँक्यू पियुष षटक क्रमांक पहिलं प्रगती पथावरती आणि 10 धावा धाव फलकामध्ये येतात भास्कर तरेने ते षटक हाताळलं ज्यामध्ये अत्यंत महत्त्वाची विकेट त्याने प्रस्थापित केली जयेश सारख्या एक सलामीवीर फलंदाजाला बाद करण्यामध्ये त्याला यश आलं परंतु बॅटिंग करत असताना अक्षयने मात्र दोन चौकार त्याच्या बॅटमधून दाखवले आणि षटक क्रमांक पहिलं प्रगती पथावरती असताना दोन दुहेरी अंकामध्ये धावा आपल्याला पाहायला मिळतात यावेळेस बॅटची लिडिंग एज शॉर्ट थर्ड मॅनला चेंडू ट्रॅव्हल होतो एकच धाव तिथे मिळते अत्यंत चांगला क्रिकेट क्वालिटी क्रिकेट या तिसऱ्या रात्रीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि तिसऱ्या रात्रीमध्ये चालू असलेला क्रिकेटचा थरार आपण आजच्या रात्रीमध्ये पाहिले तर पहिली सेमीफायनल पाहिली जिथे चांदई टीमने तो सामना जिंकला त्यानंतर आपण पाहिलं तर एक प्रेक्षणीय लढत पाहिली मैत्रीपूर्ण सामना आपण पाहिला तो सामना देखील अत्यंत चांगला पाहायला मिळाला आणि आता मात्र आजच्या रात्रीमधून आठ संघ आपल्याला खऱ्या अर्थाने कोणता संघ क्वालिफाय होईल याचं उत्तर आपल्याला काही क्षणामध्ये मिळणार आहे अत्यंत चांगलं आयोजन आपण पाहतोय बॉलिंग ट्रॅकवरती सचेत गोलंदाज भास्कर तरे राऊंड विकेटने लेफ्ट हँडर बॅट्समन यावेळी स्ट्राईक येणला रोशन मोडक राऊंड विकेटने हा बॉल अतिशय चांगला पाहायला मिळतोय जबरदस्त चेंडू पडल्यानंतर थोडासा धीम्या गतीने निघून गेला लाईन अँड लेंथ भरपूर चांगले पाहायला मिळाले आणि एसटी रक्षकाच्या चेंडू हातामध्ये जाऊन विसावतो तोपर्यंत डॉट बॉल षटक क्रमांक आपण पहिल्यांदा तर पहिलं होतं आणि या पहिल्या षटकामध्ये चांगला खेळ जमेची बाजू आपण पाहिली तर सुरुवातीला असं वाटलं होतं की गोलंदाजीमध्ये अटॅकिंग गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते भास्कर तरेची एक विकेट त्यांनी प्रस्थापित केली आहे परंतु इथून मात्र आपण पाहिलं तर अक्षयसारखा फलंदाज असताना मैदानामध्ये दोन चौकार देखील आले आणि या मॅचमध्ये या षटकामध्ये कमबॅक करून दाखवलंय 11 धाबा धाफलकामध्ये आहेत एका गड्याच्या मोबदल्यात पहिले षटक इथे कम्प्लीट झालंय पाच षटकांची मॅच आणि या पाच षटकांच्या मॅचमध्ये हे पहिलं पावर प्लेचं षटक आपण पाहिलं अत्यंत चांगली स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते भरपूर प्रेक्षकांची गर्दी तमाम लाडक्या प्रेक्षकांचं सहर्ष मनपूर्वक स्वागत बीजेएम 0505 ट्रॉफी या ठिकाणी आपण पाहतो टेनिस क्रिकेट .in माध्यमातून लाईव्ह टेलिकास्ट ही स्पर्धा सतत तिसऱ्या रात्रीमध्ये कव्हर केली जाते आहे अत्यंत चांगली अफाट मेहनत त्यांच्या माध्यमातून ऑफिशियल अपडेटर असतील ऑफिशियल कॅमेरामॅन सहा स्टँड आपण पाहू शकाल या स्पर्धेच्या माध्यमातून जी प्रेक्षकांना बसण्याची व्यवस्था केली आहे नियोजन किती चांगलं आहे ग्रामस्थ मंडळ वंजारपाडा आणि नक्कीच आपण पाहिलं तर सर्व श्रेय म्हटलं तर विकीची मिसाल आणि बादशाह ग्रुप यांच्या वतीने आपण पाहतोय षटक क्रमांक दुसरा ओव्हर नंबर 2 मध्ये त्यात गोलंदाज रोहन शेलार शेलू संघाने टॉस जिंकला जय कोलंबा माता शेलू गुरु इलेव्हन शेलू हा देखील संघ तुम्हाला इन ऍक्शन मध्ये पाहायला मिळेल ओव्हर द विकेटने हा बॉल यावेळेस लाईन चांगली अप्रतिम बॉल भरपूर चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो गोलंदाज रोहन शेलार ज्या गोलंदाजाचा वापर या ठिकाणी केला पावर प्लेच्या या दुसऱ्या षटकामध्ये तीन क्षेत्ररक्षक तुम्हाला 38 सर्कलच्या बाहेर पाहायला मिळतील आणि उर्वरित जाळं विणलं जाईल ते 38 सर्कलच्या आतमध्ये चांगली फिल्डिंग चांगली व्हीव रचना पाहायला मिळते या मॅचसाठी प्रतिस्पर्धी संघ आपण पाहिला तर कर्जत तालुक्यातून हे दोन संघ आपण पाहतो बिलॉंग करत आहेत आणि अर्बन संघ प्रथमता बॅटिंग करत असताना ऑन साइडला स्क्वेअर ऑफ द विकेट चेंडू उडवला हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक येतात दूरवरून आणि तोपर्यंत या दरम्यान धावा मिळतील दोन गुड रनिंग बिटवीन द विकेट दोन धावांचा कॉल या ठिकाणी होता आणि दुहेरी धावा या ठिकाणी एकवटल्या जात आहेत आजच्या रात्रीमध्ये आपण पाहिलं तर मोठमोठे संघ आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतील आजचा ड्रॉ आपण जर पाहिला तर नेक्स्ट मॅच उसाटणे वर्सेस गुरु इलेव्हन शेलू तिसरे मॅच न्यू गोल्डन पोस्त्री वर्सेस श्री इलेव्हन झोवेली आणि अंतिम सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल भूमी इलेव्हन मांडा वर्सेस त्यांच्या अगेन्स्ट चिंचपाडा हे आठ संघ आजच्या रात्रीमध्ये गोलंदाज तयार पुन्हा एकदा सायच्या लाईन चांगली आहे यावेळेस आपण पाहतो पंचांकडे अशालभूत नजरेने पाहिलं जात आहे परंतु पंच तटस्थ आपण पाहतो या ठिकाणी तटस्थ भूमिकेमध्ये आहे हा चेंडू डॉट आलाय लाईन चांगली आपल्याला पाहायला मिळते कमबॅक करत असताना शेलू संघ आपण पाहतोय अत्यंत चांगली स्पर्धा या सीझन मध्ये शेलू गावामध्ये देखील आपण पाहिली आहे नक्कीच त्याचं पूर्ण श्रेय ग्रामस्थ मंडळ शेलू संघाकडे जात आहे
गोलंदाज तैयार है रोहन शेलार। अखू टप्पा बॉल चेंडू बॉडी स्पर्श कर क्षेत्ररक्षक सज्ज है कबा पॉइंट पहतो भरपूर चांगले क्षेत्ररक्षक पहा मिलते हैं 38 सर्कल आत मे लेग बाय रूपान पंच दर्शवत है संघा खात्या धाव जोड़ी जती है। सुरुवात इतकी चांगली होती ना नक्कीच म्हटलं जातं ना जेव्हा जेव्हा तुमची सुरुवात चांगली असेल ना तर तुमचा शेवट देखील चांगलाच पाहायला मिळतोय। परंतु या क्रीडांगणामध्ये आपण पाहिलं तर सुरुवातीला मात्र बॉलिंगने भरपूर चांगला अटॅक केला परंतु बॅटिंग करत असताना अक्षयने देखील चांगले बॅटिंग करून दाखवली आहे। 11 धावा तिथे नोंदवल्या पहिल्या षटकामध्ये आणि या दुसऱ्या षटकामध्ये अगदी आपण पाहिलं तर पूर्णपणे आता खऱ्या अर्थाने बॅकफूट वरती आहे तो संघ बॅटिंग करत असताना अर्बन संघ। ही ताकद आहे जय कोलंबो माता शेलू संघाची। गोलंदाजी आपण पाहतोय बॉलिंग टॅक वरती रोहन शेलार वाखाणण्याजोगी षटक हे देखील आपल्याला पाहायला मिळते। दोन ऑफिशियल पंच मैदानाच्या आतमध्ये अत्यंत चांगली कामगिरी त्यांची देखील नो कॉन्ट्रोवर्सी संपूर्ण पारदर्शकता आपल्याला पाहायला मिळते। बीजेएम ट्रॉफीमध्ये भरतजी मेहरा साहेब यांच्या संकल्पनेतून यांच्या स्वप्नातून साकारलेली ही भव्य दिव्य नाईट रजनी क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय। या तालुक्यातील प्रथमच दर्जेदार आयोजन आपल्याला पाहायला मिळते। ग्रामस्थ मंडळ वंजारपाड्यांच्या वतीनं चालू असलेला हा दैदिप्यमान सोहळा आपण पाहतोय। षटक क्रमांक दुसरा षटकातील काही चेंडू शिल्लक धावा धाव फलकावती आहेत। नितेश तरे आम्हाला माहिती देत असताना 14 धावा वडा क्रिकेट जबरदस्त सोहळा आनंदाचा गजर क्रिकेटचा आपण पाहतोय। याची दे याची डोला हा क्रिकेटचा देखणा सोहळा आपण पाहतोय आणि यावेळेस नक्कीच पंचांकडे होते स्ट्रॉंग अपील उत्साह जास्त आत्मविश्वास कमी। नक्कीच पंच दत्ता कडव सर सांगत असताना की हा डॉट बॉल असेल समर इन डिलिव्हरी आपल्याला पाहायला मिळाली। अगदी स्टँड वरून जाणारा हा बॉल होता थोडीशी उंची कमी पाहायला मिळाली परंतु हा डॉट बॉल चेंडू बॅटच्या संपर्कात येऊ शकला नाहीये। म्हटलं जातं ना नितेश तरे जेव्हा जेव्हा चांगली माणसं चांगल्या माणसांच्या संपर्कात येतात तेव्हा चांगलं नातं तयार होत आहे परंतु जेव्हा चांगला चेंडू चांगल्या बॅटच्या संपर्कात येतो ना तेव्हा धावा सुद्धा ह्या चांगल्याच मिळतात परंतु इथे चेंडू संपर्कात येऊ शकला नाहीये। डॉट बॉल धाबत संख्या धावफलकावती दोन षटकाच्या अंती आपण पाहतोय 14 धाबा जबरदस्त धाबा आपल्याला पाहायला मिळाला। या ठिकाणी पहिल्या षटकामध्ये 11 धाबा होत्या परंतु गोलंदाजाचं विशेष कौतुक केलं जाईल गोलंदाज रोहन शेलारचं अवघ्या 3 धाबा त्याने खर्च केल्यात। वाटा बॉलिंग चांगला स्पेल त्याचा राहिला इकॉनॉमिकल षटक आहे। पहिलं सत्र आपण पाहतोय पूर्वार्धामध्ये आणि बॅटिंग करत असताना अर्बन टीम सुरुवातीला चांगली बॅटिंग त्यांची झाली परंतु आता बॅकफूट वरती आहे। 3 षटकामध्ये चांगला खेळ त्यांना करावा लागेल। दोन्ही संघ एकाच विभागातील आहेत एकाच तालुक्याला दोन्ही संघ बिलॉंग करतायत आणि मैदानाच्या आतमध्ये दोन्ही संघ एकाच कॅलिबरचे आपण पाहतोय। अत्यंत चांगली स्पर्धा आपण पाहतोय या ठिकाणी आजच्या या तिसऱ्या रात्रीमध्ये। भरतजी मेहरा ईशानजी मेहरा यांच्या वतीने आपण पाहतोय ही स्पर्धा साकारण्यात आलेली आहे आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज चालू असलेली ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते। भव्य दिव्य टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय। गोलंदाज तयार तिसऱ्या षटकामध्ये निलेश मसने फुल टॉस बॉल यावेळेस इथे पाहावं लागेल। ओवर द वेस्ट हाईट फॅक्टर बीमर या ठिकाणी मॅटर करते। 1 या ठिकाणी आपण पाहिलं तर नक्कीच हा बॉल बीमर असेल पंचाने या ठिकाणी दर्शवलाय। अंपायर डिसिजन विल बी अ फायनल डिसिजन नक्कीच एक रिव्ह्यू असेल DRS असेल। ओवर द वेस्ट अंपायर टीव्ही अंपायर कडे हा निर्णय येतो। या ठिकाणी आमचे ऑफिशियल सज्जत अगदी आपल्याला ही शैली तपासली जाईल। कमरेपेक्षा जास्त उंचीचा चेंडू जेव्हा असेल तर हाईट फॅक्टर बीमर चेंडू घोषित केला जाईल। ऑनफील्ड अंपायर नो बॉल आहे आणि या ठिकाणी टीव्ही अंपायर DRS एक कमेंट आम्ही नक्कीच नितेश तरे पाहिली होती रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तरची की जर जेव्हा सचिन रमेश तेंडुलकर आणि शोएब अख्तर जेव्हा खेळायचे इंटरनॅशनल क्रिकेट तेव्हा DRS असताना त्यावेळेला तर कदाचित सचिन तेंडुलकरच्या 1 लाखापेक्षा जास्त धावा असत्या अशी कमेंट केली होती। आणि या ठिकाणी DRS भरपूर चांगली एस इट इज फेअर डिलिव्हरी कदाचित हा बॉल यस नो बॉल नाही आहे परंतु हा बॉल वाईड जरूर असेल।
अतिरिक्त धाव इथे जरूर जोडली जाईल, कारण पंचाने आधी पाहिलं कंबरेपेक्षा जास्त उंचीचा चेंडू होता, परंतु तो चेंडू लेग स्टिकला देखील सोडून चालला होता। परंतु या ठिकाणी आपण पाहिलं तर ही शैली तपासली गेली आणि पंचाने सांगितलं की एस इट इज वाइड बॉल, अतिरिक्त धाव आणि अतिरिक्त धावेने संघाचा धावफलक पुढे सरकताय। 15 आकड्यावरती यावेळेस आपण पाहतो अतिशय चांगला फटका लॉंग ऑफच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक येतात, एकाच टप्प्यावरती चेंडूला फील्ड केलं जात आहे, चांगल्या दर्जाचं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतंय। तिसरं षटक आपण पाहतो त्या ठिकाणी प्रभास शेलार होतंय, चेंडूपर्यंत येतात आणि अत्यंत चांगलं क्षेत्ररक्षण एकाच टप्प्यावरती त्यांनी गॅदर केलंय, अॅक्युरेट फेकी आपल्याला पाहायला मिळते, एक धाव मिळेल आणि एका धावेच्या मदतीने 16 धावा 16 रन लॉस ऑफ वन विकेट, अतिशय चांगला व्हीव आपल्याला पाहायला मिळेल ड्रोन व्हीव टेनिस क्रिकेट डॉट इनच्या माध्यमातून। आज आपण पाहिलं तर संपूर्ण ही स्पर्धा तब्बल 4 ते 5 कॅमेऱ्यांसहित इथे कव्हर केली जाते, 5 कॅमेऱ्यांसहित कव्हर केली जाते। गोलंदाज तयार आहे बळीस, तिसरे षटक राऊंड विकेटने लाईन चांगले पाहायला मिळते, गती थोडीशी कमी केली आहे यावेळेस, कदाचित धोका होऊ शकला असता। बॅटिंग करत असताना अर्बन टीमच्या फलंदाजांना 22 रुपयानं धाव मिळते, एक एक्स्ट्रा मध्ये ती धाव जोडली जाईल आणि षटक क्रमांक 3 प्रगती पथामध्ये असताना आपण पाहिलं तर धावा धाव फलकामध्ये येतात, 17 धावा एक अशुभ आकडा धाव फलकामध्ये जोडला जातोय बॅटिंग करत असताना अर्बन टीमच्या खात्यामध्ये। सुरुवातीला आपण पाहिलं तर चांगला खेळ राहिला दोन्ही टीमचा, परंतु आता गोलंदाजी मात्र इथे प्रभावशाली ठरत असताना, कदाचित आपण पाहिलं तर गुलाबी थंडी आहे आणि या थंडीच्या वातावरणात चालू असलेला अतिशय गरम सामना आपल्याला पाहायला मिळेल। यावेळेस फुलर लेनचा बॉल, चेंडू बॅटच्या संपर्कात नाही आहे आणि कदाचित आपण पाहिलं तर पुन्हा एकदा 22 रुपयांना धाव मिळते, एक पॉईंट मध्ये आपण पाहिलं तर कव्हर पॉईंटला चेंडू ट्रॅव्हल झालाय, एक धाव तिथे अंकित केली जाईल, हे पूर्वार्ध आपण पाहतोय आणि या पूर्वार्धामध्ये अतिशय चांगला खेळ राहिलाय तो म्हणजे जय कोलंब माता शेलू संघाचा। कारण जर नितेश सरे पाहिलं ना, टॉस जिंकल्यानंतर आम्ही क्षेत्ररक्षण करू आणि कमीत कमी धावांमध्ये समोरच्या संघाला रोखण्याचा प्रयत्न, इथून ही स्ट्रॅटर्जी त्यांनी आखलेली आहे। गोलंदाज आपण पाहिलं तर अतिशय चांगला वापर त्यांनी केलाय, भास्कर तरेला आपण पाहिलं पहिल्या षटकामध्ये, जे मात्र बेनिफिट इम्पॅक्ट त्याचा आपल्याला पाहायला मिळाला। त्यानंतर रोहन शेलारने अतिशय चांगली गोलंदाजी केली आणि आता गोलंदाज निलेश आपण पाहतोय, रिव्हर्स साटाम स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न चेंडू बॅटचा, यावेळेस पुन्हा एकदा संपर्क होऊ शकला नाही आहे। 22 रुपयाने सलग लागोपाठ आपण पाहिलं तर 3 धावा इथे येत आहेत, म्हणजे अगदी आपण पाहिलं तर चेंडू काही बॅटच्या व्यवस्थित रडार मध्ये येत नाही आहे। पहिलं पूर्वार्ध आपण पाहतोय, 5 षटकांची मॅच आणि 5 षटकांच्या मॅच मध्ये तुम्हाला या क्रीडांगणामध्ये तब्बल 45 ते 50 धावा बनवावा लागतील, ही फायटिंग टोटल असेल या क्रीडांगणामध्ये। गोलंदाज आपण पाहिलं तर चांगली गोलंदाजी करतायत, अतिशय तिखट मारा या ठिकाणी आपण पाहतोय, बॅटिंग करत असताना फलंदाज रोशन मोडक, यावेळेस इथे अक्षय स्ट्राईक येणार आहेत, चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळतो, गोपनीसारखी बॅट जरूर फिरवली आहे परंतु अलॉंग द कार्पेटने यावेळेस चेंडू सरळ चालला ऑर्थोडॉक्स लॉंग ऑफला, एकच धाव तिथे मिळते। बॅटिंग करत असताना रोशन मोडक येतात, आता लेफ्ट हँडेड बॅट्समन ऑन अ स्ट्राईक आपल्याला पाहायला मिळतील, शेवटच्या बॉलचा या ठिकाणी ते सामना करतील, कारण पहिलं षटक आपण पाहिलं तर जबरदस्त राहिलं होतं, दुसरं षटक देखील अतिशय चांगलं होतं आणि तिसऱ्या षटकामध्ये पहिला चेंडू खराब आपल्याला पाहायला मिळाला, त्या कारणाने एकंदरीत 7 बॉल्स हे षटक आपण पाहतोय। गोलंदाज तयार, शेवटचा अंतिम बॉल, यावेळेस ऑन साईडला फटका हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक येतात, मिस टायमिंग स्ट्रोक जरूर होता परंतु 2 धावा इथे मात्र सहज एकवटल्या जातील। अवधी होता या दरम्यान आपण पाहिला तर फलंदाज रोशन मोडक कडे, त्याला 7 मिळते अक्षयची, सातत्याने चांगला कॉल आपल्याला पाहायला मिळतो, 2 फलंदाजांमध्ये चांगला संवाद चांगला कॉल होणं फार गरजेचं असं आणि तो कॉल होत असताना 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपन्न झालाय। 3 षटकाच्या अंती धावसंख्या धावफलकामध्ये आपण पाहतोय, प्रथम बॅटिंग करत असताना अर्बन टीमच्या खात्यामध्ये 1 बाद 22।
तीन षटका अंतिम धावत संख्या धावफल का मध्य 22 अपने पहाय मिलती है। यानंतर सामना असेल गुरु इलेवन शेलू आणि वेलकम उसाटणे। वेलकम उसाटणे हा संघ आपण पाहतोय इन ऍक्शन मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल। अतिशय दर्जेदार स्पर्धा उसाटणेच्या नगरीमध्ये झाली आणि चांगला खेळ आपण बदलापूरच्या नगरीमध्ये आपण पाहिला। या दरम्यान जगन्नाथ पाटील जे या ठिकाणी कल्याण ग्रामीण असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत, जगन्नाथ पाटील आपणास विनंती आहे आपण व्यासपीठावर यायचे। आपला हार्दिक मनपूर्वक स्वागत। दोन षटकांचा खेळ या ठिकाणी बॅलन्स आहे आणि दोन षटकांमध्ये आपण जाऊया क्रीडांगणावरती। जिथे बॅटिंग करते आर्वन टीम आणि गोलंदाजी करते ती म्हणजे जय कोलंब माता शेलू टीम। गोलंदाज या ठिकाणी पुन्हा एकदा रोहन तयार, षटक क्रमांक 14 संघाच्या वतीने आणि वैयक्तिक दुसरे षटक। यावेळेस अगोदरच खेळण्याचा मान चेंडू बाटचा व्यवस्थित संपर्क होऊ शकत नाहीये। अगदी आपण पाहिलं तर फुटवरचा वापर नाही आहे सध्याच्या घडीला। मोबाईल मध्ये नेटवर्क आणि पायामध्ये फुटवर्क असणं फार गरजेचं आहे आणि आपल्या जागेवरून खडे खडे स्ट्रोक करण्याचा प्रयत्न आहे। हॅलो 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 आज जियो का नवा मोबाइल लॉन्च हुआ तो मुकेश भाई से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि 750 मोबाइल 50 लाख रुपए के अपने ट्रस्ट को दिए उन्होंने, जो उन्होंने बोला कि आप अपने एरिया में बांटिए। तो आज मैं यहाँ पे अभी ये 110 पीस लाया हूँ और 12 तारीख को मेरे पोते का बर्थडे है, उस दिन मैं सारा मंदिर पे वहाँ ट्रस्ट पे बाकी के फ़ोन बांटूँगा। 60 फ़ोन हमारे लोकल पुलिस स्टेशन में जाएंगे, बाकी के मैं वहाँ बांटूँगा। तो ये फ़ोन जितने भी हैं ये अभी हम बांटना शुरू करेंगे, जो भी 100-125 आदमी हैं। पहला जो है मैं अपने हाथ से लूँगा, उसके बाद फिर ईशान और अंजलि, इसका बर्थडे है आज तो ये अपने हाथ से सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो आइए और मुकेश भाई और आनंद भाई के लिए थैंक यू और तालियां बजा दीजिए। जियो जिए हजारों साल, मुकेश भाई अनंत जिए हजारों साल, साल के दिनों 50,000। बड़े आदमी बहुत होते हैं लेकिन दिल बहुत कम लोगों का होता है। आज 50 लाख रुपए का मोबाइल हमारे निरल को दिया है तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। तो मैं बहुत दिल से मुकेश भाई को और अनंत भाई को थैंक यू कहता हूँ। थैंक यू, आइए स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्युटिंग जिओ सेलफोन, आजच जिओ फोन लॉन्च झाला आणि मुकेश अंबानी सरांनी या परिसरामध्ये हे सेलफोन डिस्ट्रीब्यूट करण्यासाठी भरतजी मेहरा सरांकडे ती थोडीशी मॅच थांबवा, रिक्वेस्ट असेल ऑफिशियलला थोडीशी फक्त 5 मिनिटांसाठी मॅच थांबवा, 4-4 जणांनी फक्त वरती पाठवा।
अंजलि मैम आज वाढदिवस देखील आणि त्यांना वाढदिवसाचं औचित्य साधून सेलफोन डिस्ट्रीब्यूट करण्यात येत आहे। थैंक यू सो मच जियो एंड थैंक यू सो मच भरत मेहरा सर, थैंक्स अ लॉट। वरती चढ़ून देऊ नका, खाली रहा सर्वांनी। ऑफिशियल मैच चालू करा प्लीज 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 स्टार्ट द मैच। चला आता मंचाच्या खाली जरा सर्व पब्लिकला विनंती, चला मंचाच्या खाली आता जे काय सेलफोन आहे ते मंचाच्या खाली। प्लीज स्टार्ट द मैच अंपायर, प्लीज स्टार्ट द मैच। चला फिल्डिंग लावून घ्या लवकरात लवकर आणि मॅचला सुरुवात करतो। चला ऑफिशियल आपण पंच मॅच चालू करायची आहे। स्टेजच्या खाली, स्टेजच्या खाली आता पुढचे वाटप असेल सर्वांना मिळणार आहे स्टेजच्या खाली। चला चला स्टेज खाली करा, स्टेज खाली करा, स्टेज खाली करा। चला आता वरती कोण येणार नाही, व्हीआयपी डॅश मध्ये सर्वांनी स्टेज खाली करा। चला स्टेजच्या खाली सर्वांनी, स्टेजच्या खाली, स्टेजच्या खाली, स्टेजच्या खाली जा सर्वांनी। चला स्टेजच्या, हॅलो, चला स्टेजच्या खाली, स्टेजच्या खाली जा सर्वांनी। प्रेक्षकांना विनंती करेन उद्या अजूनही मेजवानी असेल, सर्व प्रेक्षकांसाठी असेल उद्या, थोडंसं खाली जायचंय। चला मित्रांनो विनंती, आपण स्टेज खाली करायचंय। हॅलो, चला सर्वांनी खाली जा। चला चला खाली, चला सर्वांनी, चला सर्वांनी खाली यायचंय। सर्व प्रेक्षकांना विनंती, आपण व्यासपीठ मोकळं करायचंय, उद्या सर्व प्रेक्षकांसाठी असेल याची नोंद घ्या। चला अशी जर गर्दी केली तर कुणालाच मिळणार नाही याची आपण नोंद घ्या। खाली जा अन्यथा इथे आपण स्टॉप करतो। लवकरात लवकर 0 मिनिटात स्टेज खाली करा नाहीतर आपण ही स्कीम स्टॉप करतोय। हॅलो, जे बंगल्यावर काम करतात, हॅलो, जो भी बंगले पे काम कर रहे सर के बंगले पे जो भी लेबर लोग काम कर रहे हैं ना वो एक बाजू पे आ जाइए। जो भी कारपेंटर फिटर है ना, जो बांधकाम प्लास्टर वाले है वो एक बाजू में आ जाइए। जो भी सर के बंगले के लिए काम कर रहे हैं वो बाजू में आ जाइए। चला मंच खाली, गाँव वालों को 12 तारीख को मिलने वाला है। हेलो, गांव वालों को 12 तारीख को मिलने वाले, और जो भी सर के बंगले के लिए काम कर रहे हैं जितने भी लेबर्स वो एक कोने में आ जाइए।
चला सर्वानी व्यासपीठ मोकळं करायचं आहे. चला प्रेक्षकांना विनंती आहे खाली उतरायचं. सर्व प्रेक्षक वर्ग चला फक्त सरांच्या जे बंगल्यावरती किंवा सरांच्या साईडवरती जे काम करतात फक्त त्यांनी साईडला वा लाईन सोडून एका बाजूला उभे राहा. जे कन्स्ट्रक्शन साईडवरती काम करतात ते सर्व लेबर्स आणि सर्व एम्प्लॉईजला विनंती आहे साईडला उभे राहा. गावकऱ्यांसाठी 12 तारखेला वाटप केले जाईल. गाववाल्यांसाठी 12 तारखेला वाटप केले जाईल. आणि आम्ही सर्वांना ओळखू शकतो गाववाले असेल दुसऱ्या गावातले असेल. तर आता फक्त लेबर्स लोक त्यांच्यासाठीच या टुर्नामेंटच्या माध्यमातून वाटप होणार आहे. 12 तारखेला सर्व गावकऱ्यांसाठी चला मंचावरती कोणी पब्लिक नको. 27 धावा फलकावरती आहेत बॅटिंग करत असताना अर्बन टीमच्या. आणि शेवटचा अंतिम षटक आपण पाहतोय जय कोलंबो माता शेलू संघाच्या वतीनं. यावेळेस इथे लाईन चांगले पाहायला मिळतात. मिस्तामिक स्टोक होता स्वतः गोलंदाज येत आहेत. प्रभात चेंडू गॅदर करण्यासाठी अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण. आणि या ठिकाणी एक धाव मिळते 28 धावा फलकावरती आहेत. थँक्यू थँक्यू. अभी सारा मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूशन 12 तारीख को होएगा. ये कोई तरीका नहीं है. आप लोग आपस में लड़ रहे हो. सब 12 तारीख को होएगा. मंदिर पे आना. थैंक यू थैंक यू. चला जी चला स्टार्ट द मैच. आणि गर्दी खाली करा. आता कुठल्या प्रकारचे मोबाइल वाटप होणार नाही. चला कॅन्सल स्कीम कॅन्सल. 28 धावा झाल्यात. 28 प्लीज कंटिन्यू मॅडी सर. तर शेवटचा आणि अंतिम षटक आपण पाहतोय या ठिकाणी 28 धावा धाव फलकामध्ये. प्रभास शिलरचं आपण पाहिलं ना तर अंतिम षटक आहे. पहिल्या बॉलमध्ये एक धाव आली आणि सलग लागोपाठचे 2 चेंडू डॉट. काय गोलंदाजी आहे. वाखाण्याजोगी स्पेल राहिलाय. आणि या ठिकाणी आपण पाहिलं तर प्रेक्षकांना विनंती असेल गर्दी करू नका. स्कीम बंद झालेली आहे. आपण पाहिलं तर सलग लागोपाठ 6 तिसरा चेंडू डॉट येतोय. चांगली गोलंदाजी आहे. जय कोलंबो माता शेलू संघ. आपण पाहिलं तर नाणेफिकी जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण त्यांनी स्वीकारलंय. आणि काय गोलंदाजी केली आहे. 5 षटकामध्ये अद्यापपर्यंत प्रतिस्पर्धी संघाला रोखण्यामध्ये यश आलंय. 28 या धावसंख्येवरती कोणती धावसंख्या विजयाची गॅरंटी तुम्हाला देऊ शकत नाहीये. कारण प्रवीण गायकरे मगाशी सांगितलंय सुरुवातीला जी मॅच झाली 28-29 धावा तिथे देखील हव्या होत्या. परंतु ती मॅच रफंट पाहायला मिळाली. पहिली सेमीफायनल आपण पाहिली शेलू चांदे वर्सेस कलब या दोन टीम मध्ये. आणि आता ही पहिली मॅच आपण पाहतोय शेलू वर्सेस अर्वन. शेवटचा आणि अंतिम बॉल. 4 चेंडू सलग लागोपाठचे डॉट येत आहेत. सागर सर चला मंचावरती कोणी नसेल. आता सर्वांनी खाली जा. शेवटचा आणि अंतिम बॉल या षटकातील पहिलं सत्र आपण पाहतो या ठिकाणी. जय कोलंबो माता शेलू टीमच्या वतीनं गोलंदाज प्रभात ओव्हर द विकेटने. आखो टप्पाचा बॉल यावेळेस. पंच सांगतात यस इट इज वाईड बॉल अवे फ्रॉम बॉडी. हा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि एक्स्ट्राच्या रूपानं धाव प्रतिस्पर्धी संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाते. 29 29 धावा. शेवटचा अंतिम बॉल आपल्याला पाहायला मिळतो स्ट्राईक इनला. फलंदाज प्रमोद जो तो चौथ्या क्रमांकावरती आलाय. सलग 4 चेंडू अद्यापपर्यंत डॉट त्याच्या खात्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. यावेळेस लाईन चांगली आहे की पाहायचे आहे. परंतु पंच पुन्हा एकदा दर्शवतात एस इट इज वाईड बॉल. दिशेपासून भरकटत गोलंदाज प्रभात.
अतिरिक्त धाव आणि अतिरिक्त धावेने सलग लागोपाठचे दोन चेंडू खराब. धाबाधाव फलकावरती 3-0. 30 धाबाधाव फलकावरती कमी धाबा संख्या या क्रीडांगणावरती भरपूर काही मॅटर करू शकते. आणि आता मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते गोलंदाजी करत असताना शेलू संघ किती धावांचं टार्गेट अर्बन संघ या मॅच मध्ये ठेवेल. शेवटचा अंतिम बॉल हे चित्र स्पष्ट करेल. स्ट्रायकिंगला फलंदाज प्रमोद, बॉलिंग ट्रॅकवरती प्रभात. ओव्हर द विकेटने हा बॉल, आखू टप्प्याचा बॉल यावेळेस. सरप्राईज केलंय, विकेट सॅक्रिफाईस होईल, फलंदाज होईल बाद. आणि शेवटच्या अंतिम बॉल वरती मात्र धाव आली नाहीये. 30 धावाधाव फलकावरती 31 धावांची गरज असेल येणाऱ्या 30 बॉल मध्ये. द्वितीय सत्रामध्ये जय कोलंब माता शेलू टीमला विजयासाठी. सरांची गाडी जाऊ द्या. 12 तारखेला सर्वांना मंदिरावरती मोबाईल वाटप केले करण्यात येईल. चला क्षेत्ररक्षकांनी मॅचचा आनंद घ्या. सरांची गाडी जाऊ द्या. 12 तारखेला मंदिरावरती मोबाईल वाटप करण्यात येईल. त्या ठिकाणी पहिली मॅच आजच्या रात्रीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. जे कोलंब माता शेलू वर्सेस अर्वन या दोन टीम मध्ये चालू असलेली 30 बॉल मध्ये 31 धावांची गरज आहे. द्वितीय सत्रामध्ये जेव्हा जय कोलंब माता शेलू संघ बॅटिंग साठी येईल तेव्हा 31 धाबा कशा प्रकारे चेस करेल की अर्वन टीम या मॅच मध्ये या धाबा डिपेंड करेल याचं धावतं वर्णन तुम्हाला ऐकायला मिळेल. द्वितीय सत्रामध्ये कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये परिवर्तन होईल. या ऐकूया पनवेल विभागातील रायगड विभागातील एक अत्यंत टॅलेंटेड समालोचक. नक्कीच आपण पाहतो हिंदी आणि मराठी भाषेमध्ये प्रभुत्व असणारे आमचे अत्यंत जवळचे मित्र प्रवीण गायकर यांचा आवाज. धन्यवाद. चला आता गर्दी खाली करा. गर्दी करून काही फायदा नाहीये. मोबाईल्स आलेले वापस गेलेत. आता गर्दी करून खाली काही फायदा नाही. आता व्हॉलंटियर चला स्वयंसेवक आता स्टेज समोरून गर्दी खाली करा आणि मंचावरती कोणी नसेल. चला आता प्रेक्षकांना विनंती करतो आता 12 तारखेची तुम्ही वाट बघा. आता तेलही गेलं तूपही गेलं आता फक्त 12 तारखेला वाट बघा. तर थँक्यू मॅडी. जाऊया मॅचच्या दिशेने. चेंडू जायचं मैदानात. लेबर लोक आप लोग जा सकते हैं. जो कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क करते हैं लेबर लोग आप जा सकते हैं. तो बिल्कुल जीतने के लिए पहले बल्लेबाजी करते हुए टोटल 30 रन बनाए 5 ओवर में. तो नेक्स्ट मैच चलिए जोया 11 वेलकम मुस्ताट ने टीम के कैप्टन और उनके सामने होगी गुरु 11 शेलू टीम के कैप्टन. हेलो टॉस के लिए संपर्क जीतू आगे. लकी कस्टमर जीतू आगे किधर है वो स्टेज पे आओ. चला आता मंचासमोरून गर्दी खाली करा. व्हॉलंटियर आपण सर्व प्रेक्षकांना रेलिंगच्या बाहेर घ्या. ऋतिक प्रतीक सर्व प्रेक्षकांना रेलिंगच्या बाहेर घ्या. तो गणेश और भास्कर या आरंभिक जोड़ी इस वक्त मैदान के ऊपर आती हुई. पहला मैच फ्रेश है. इनमें से जो टीम जीतेगी बिल्कुल सेकेंड राउंड में क्वालिफाई होगी. लेकिन इसके बाद मैच खेला जाएगा. तो जोया 11 वेलकम उस्तानी टीम के कप्तान वहां पर मौजूद है और गुरु 11 शेलू टीम के कप्तान भी मौजूद है. प्रियस जाइए आप टॉस बॉक्स में टॉस करके लीजिए. ज्यादा टाइम व्यतीत में कीजिए. अभी बहुत समय व्यतीत हो रहा है इसके लिए आप तो ऑर्गेनाइजर है पीयूष आप ज्यादा दखल लीजिए. टॉस करके लीजिए. नेक्स्ट मैच तुरंत कीजिए. तो बिल्कुल यहां पर चलते हैं मैच की तरफ. बड़ा मैच दोनों टीमों के बीच में से. पहले सेमीफाइनल में भी बढ़िया गेंदबाजी रही सांदई टीम के गेंदबाजों की ओर से और यहां पर वो लो स्कोर के भीतर रोका था और इस बार भी बढ़िया गेंदबाजी रही. यहां पर बात करेंगे पहले सत्र में. शेलू टीम ने
बढ़िया गेंदबाजी की और अरविंद टीम को कम रनों में रोका, सिर्फ 30 रनों में रोका, 31 की जरूरत है। स्ट्राइकर बल्लेबाज है गणेश और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज भास्कर। गणेश और भास्कर की ये जोड़ी पहली गेंद यहां पर देखेंगे बिल्कुल लेग स्टंप से बाहर जाते हुए, अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई और एक रनों की मदद से टीम की रन संख्या बनती हुई एक रन बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर। ईशान मेहरा सर आपसे दरखास्त है कि अपन टॉस करके लेंगे दोनों टीम के कप्तानों में। टीम कैप्टन प्लीज जॉइन अस, शेलू टीम से कैप्टन सला। ईशान सर प्लीज टॉस द कॉइन, नेक्स्ट मैच बिटवीन शेलू एंड उस्ताद ने। टेल कॉल आला उस्ताद ने कडून आणि टेल आला डिसिजन फील्डिंग। गुड लक, काही इंटरव्ह्यू नाही आहे, गुड लक शेलू टीम आणि गुड लक उस्ताद ने टीम, हरकत नाही आहे। मग ऑन गोईंग मॅच कडे आपण बोलूयात, ओव्हर टू इन कॉमेंट्री बॉक्स। थँक यू। बिलकुल दो रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंची हुई टोटल 3 रनों के ऊपर, सिर्फ 31 रनों का टारगेट है। और जय कोलंबा माता, शेलू टीम ने क्या दमदार गेंदबाजी की, अरवन टीम को कम रनों के भीतर रोका। फुल टॉस बॉल थी, जोरदार प्रहार करने की कोशिश, सीधा मिडिल स्टंप पर जाती हुई गेंद पैरों पर टकराई और अंपायर का इशारा LBW विकेट नंबर पहला गिरेगा और यह पहला बड़ा छटका टीम शेलू को लगता हुआ। तलाश थी वो पहला विकेट, आखिरकार सफलता दिता हुए यहाँ पर गेंदबाज प्रवीण, गुड बॉलिंग, पहला बड़ा छटका यहाँ पर लगता हुआ। बात करेंगे जय कोलंबा माता शेलू 11 टीम को, पिछला मुकाबला भी आपने देखा था लो स्कोर का ही था और ये मैच भी लो स्कोर का है और ये पावर प्ले के दो ओवर में दमदार गेंदबाजी करना अब जरूरी होगा अरविंद 11 टीम को। जय भवानी क्रिकेट क्लब अरविंद थोड़ी सी मुश्किल स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर इन विपरीत परिस्थितियों में टूट जाने से बेहतर एक अच्छा क्रिकेट दिखाए आपके टीम के लिए बहुत अच्छा होता है। पहला विकेट सस्ते में लौट चुका है और क्या कमाल की गेंदबाजी होती हुई प्रवीण मात्रे के माध्यम से। नए बैट्समैन राजू तरे खेलने के लिए तैयार होते हुए, पहले गेंदबाज प्रवीण बेहतरीन लाइन से गेंदबाजी कट करने की कोशिश, फील्डर है वहां पर, बढ़िया फील्डिंग, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास किया था लेकिन अंपायर की तरफ शक की बुनियाद से देखा था, नॉट आउट का करार, एक रन होगा कंप्लीट और एक रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 4 रन, 27 रनों की अभी भी आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। और यहां पर बात करेंगे जहां पर जो विपरीत परिस्थिति थी पहले बल्लेबाजी करते हुए जय भवानी 11 अरवन टीम की, बिल्कुल वही अवस्था शायद इस ओवर में अब तक नजर आती हुई जय कोलंबा माता शेलू टीम के बल्लेबाजों की। पहला विकेट सस्ते में लौटा है गणेश, अब जिम्मेदारी होगी भास्कर और राजू के। इस बार भी ऑन साइड में घुमाने की कोशिश जरूर की थी लेकिन अंपायर्स कॉल इज अ वाइड बॉल, इट्स अ पहला यहां पर खराब गेंद आती हुई। तर याच दरम्यान सन्माननीय दहिवली गावचे नाईट स्पर्धेचे यशस्वी आयोजक बालकृष्ण मुंडे साहेब आणि निखिल चव्हाण साहेब या दोन्ही मान्यवरांचं इथे आगमन झालंय। दादा या व्यासपीठावरती आपल्या या स्पर्धेच्या वतीने त्यांच्या माध्यमातून तुम्ही खासदार आणि आमदार ट्रॉफी 2022 मानाची स्पर्धा पेन्शिलच्या मैदानावरती पाहाल। त्या स्पर्धेचे यशस्वी आयोजक बालकृष्ण दादा मुंडे आणि निखिल चव्हाण साहेब या दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो की या व्यासपीठावरती। तो बिलकुल यहां पर इस गेंद की बात करेंगे, एक रन बटोरा, एक रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 6 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। पहला पावर प्ले अभी भी मैदान के अंदर जा रही है, बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज प्रवीण फिर से एक बार तैयार, ऑन साइड में हवा में है, बड़ा शॉट खेला है, फील्डर है गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं और पहला दूसरा विकेट गिरता हुआ। बैटिंग करने वाली टीम जय कोलंबा माता शेलू टीम को लगता हुआ दूसरा बड़ा छटका। राजू बैक टू द पवेलियन।
मंचा समोर जो टावर है टावर सोडून कृपया करून प्रेक्षक उभे रहा। जे मंचाच्या डाव्या साइडला जो टावर है टावर वरून तिथे वायर्स आहेत, नुकताच त्या टावरचा आम्ही काम केलंय। शॉर्ट सर्किट कधी होऊ शकतं विनंती करतो, टावरच्या बाजूला रहा आणि डाव्या साइडला जा रेलिंगच्या, आणि कोणी प्रेक्षक वर्ग रेलिंगच्या आतमध्ये जाणार नाही याची नोंद घ्या। ऑनगोइंग मॅच कडे आपण वळूयात। राजू तरे बाद थैंक यू। यहाँ पर राजू बैक टू द पवेलियन, अब उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज रोहन शेलार, न्यू बैट्समैन इन एट नंबर फोर, चौथे नंबर के पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पर आ चुका है। और मैडी यहाँ पर थोड़ी सी गंभीर स्थिति है, जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि परिस्थिति की पाठशाला हमेशा इंसान को एक वास्तविक शिक्षा देती है, अब थोड़ी सी इस परिस्थिति के अनुसार खेल जय कोलंबा माता शेलू टीम को करना होगा, क्योंकि पहले ही ओवर में दो विकेट झटका है। यहाँ पर जय भवानी अरवन टीम के गेंदबाज है, प्रवीण की क्या शानदार गेंदबाजी, दो विकेट महत्वपूर्ण इनके नाम पर, टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन। ओवर द विकेट से स्वीप करने की कोशिश, शरीर को पूरी तरीके से छोक दिया था, लेकिन एक रन लेने में बल्लेबाज माहिर बने और ये रन तेजी से चुरा लिया और एक रनों की मदद से पहला ओवर हुआ यहां समाप्त। और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद जय कोलंबा माता शेलू टीम का स्कोर है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 7 रन, जीतने के लिए 24 गेंदे और 24 रनों की आवश्यकता। दरम्यान आपण जर विनंती केलो या स्पर्धेचं राहिलेलं मुख्य आकर्षण उद्या शेवटचा आणि अंतिम रात्र तुम्हाला पाहायला मिळेल, आणि या अंतिम रात्रीमध्ये तुम्हाला रायगड वर्सेस ठाणे ही शो मॅच देखील पाहायला मिळणार आहे, त्यामध्ये जास्त करून यंगस्टर्सचा भरणा असणार आहे। तर रायगड वर्सेस ठाणे ही मॅच पाहण्यासाठी उद्या देखील प्रेक्षकांनी या ठिकाणी हजेरी लावा अशी तुम्हाला विनंती। थँक्यू। तो बिलकुल पहिला ओव्हर यहाँ पर समाप्त हो चुका आहे, रायगड वर्सेस ठाणे, अब तक तो 17 जीत है रायगड के नाम पर और टोटल 8वीं जीत केंद्रीय मंत्री में 8वीं जीत ठाणे टीम को मिली। लेकिन क्रिकेट एक अच्छा खेल होता है, वहाँ पर आप खिलाड़ियों को सम्मान दें ना बल्कि गाली देकर उनका मनोबल खिंचाए, क्योंकि क्रिकेटर होता है अपना परफॉर्मेंस देने के लिए हमेशा मैदान के ऊपर, दर्शकों का दिल जीतने के लिए हमेशा मैदान के अंदर एक अच्छा खेल दिखाता है, तो सम्मान कीजिए क्रिकेटरों का भी। तो बिल्कुल 24 गेंदों में 24 रनों की यहाँ पर आवश्यकता है। मैच जितना जल्दी स्टार्ट हो सके अंपायर आप ऑफिशियल्स कॉल करें, 25 मिनट के अंदर इनिंग समाप्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिलहाल आज के ये फ्रेश मैच फ्रेश पोल का ये पहला ही मुकाबला स्टार्ट है। और पहले मुकाबले की बात करेंगे, 31 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए जय कोलंबा माता शेलू 11 टीम पहले ओवर में रन बनाए 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 7 रन। अब सेकेंड पावर प्ले मैदान के अंदर जारी रहता हुआ, जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया, रास्ता कैसा भी हो बस अपने कदमों पर भरोसा रखना बहुत जरूरी होता है, मंजिल उनकी आसान ही हो जाती है जिनका हौसला ऊंचा होता है। आप देखेंगे उसी उम्मीद के साथ गेंदबाजी चल रही है जय भवानी 11 अरवन टीम के गेंदबाजों की ओर से, और यही तो कोशिश होती है। आजकल के टेनिस क्रिकेट में गेंदबाज को काफी पिटाई होती है, पिटाया जाता है, लेकिन आज मात्र अब दोनों भी मुकाबले में गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की है। अक्षय की ये गेंद हाफ ट्रैकर जरूर थी, कट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन बढ़िया फील्डिंग गली की रीजन में नजर आती हुई एक की मदद से दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले और 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 8 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। रन ऑफ बॉल का अगर बात करेंगे तो 23 गेंदों में 23 रनों की अभी भी यहां पर जरूरी है ये मैच को जीतने के लिए। जिंदगी में सही सीखा है मेहनत करो, रुकना नहीं हालत कैसे भी हो, लेकिन किसी के सामने झुकना नहीं, अब ये खेल दिखाना होगा। अच्छी गेंद कवर की दिशा में खेला है, फील्डर लॉन्ग चेस करते हुए वहां पर आते हुए उठाएंगे, फील्ड करेंगे, मौका बना 2 रन लेने का और इन 2 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 10 रन। देखिए पहले पारी की अगर बल्लेबाजी की बात करेंगे तो पहले पारी में टोटल 4 चौके लगे, यहां पर बात करेंगे भास्कर के ओवर में 2 चौके लगाए थे बल्लेबाज अक्षय ने, और उसके बाद मात्र चौकों की मोहर ही नहीं लगाई, कम बड़े शॉट देखने को मिले। और इस इनिंग्स में भी आप देख सकते हैं कोई भी बड़े शॉट अभी तक निकले नहीं है जहां पर गेंदबाजों के सामने दुविधा उत्पन्न हो। ये भी अच्छी गेंद, लेकिन अच्छी तरीके से इस गेंद को भी खेला है स्क्वायर लेग क्रीज़न में, फील्डर वहां पर तेजी के साथ आते हुए उठाएंगे, फील्ड करेंगे, लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 रन, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। ये होता है जरूरी आपके लिए कि बड़े शॉट एक तरफ नितेश मैडी ना निकले ना, तो सिंगल डबल लेकर स्कोर को आगे बनाए, दबाव ना रखे, और जो टारगेट चेस करना है वो टारगेट आप आसानी के साथ बना सकते हैं, ताकि डॉट बॉल खेलना ये टीम के लिए घातक होता है, प्रेशर होता है, विकेट गंवाने के चांसेस बन सकते हैं। और यहाँ पर एक सेंसिबल क्रिकेट, बड़े शॉट ना आए तो सिंगल डबल लेकर वो टारगेट चेस करने की कोशिश अब नजर आती हुई। राइट आर्म ओवर द विकेट से अक्षय तैयार, ये गेंद खराब लाइन है, लेग स्टंप छोड़ती हुई अंपायर का व्हाइट बॉल का करार, एक्स्ट्रा रनों में बढ़ोतरी होती हुई। मैडी देखिए एक्स्ट्रा रनों से बचना होगा,
क्योंकि एक तरफ आप ये खराब गेंदे है ना वो फेंकते हैं आपके टीम के लिए, थोड़ी सी दुविधा में आप डालते हैं, मंजिल उनकी आसान हो जाती है जिनका हौसला ऊंचा होता है। अब यहां पर देखिए, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, कोशिश करनी होगी क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और यहाँ पर देखेंगे दोनों टीमें जी जान से लड़ रही है। आज वंजारपाड़ा के मैदान के ऊपर ये क्रिकेट का महासंग्राम, बैकफुट पर जाकर टैप किया है शॉर्ट पॉइंट में, फील्डर है तेजी के साथ गेंद के नीचे आएंगे, थ्रो थोड़ा सा खराब रहा, फास्ट थ्रो था लेकिन दूसरे में तब्दील करना चाहते थे, मना कर दिया साथी पार्टनर ने, सिंगल बटोरा, सिंगल के साथ दोनों बल्लेबाज छोर बदलते हुए स्ट्राइक एंड पर अब बल्लेबाज पहुंचे यहाँ पर भास्कर, और इसे एक रनों की मदद से टीम का स्कोर है टोटल 14, 31 रनों की जरूरत है, अभी भी 17 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। माफ कीजिएगा, 17 रनों की अभी भी आवश्यकता है, 20 गेंदें बची है, मैच अभी भी दोनों टीमों के लिए बना हुआ जरूर है, लेकिन आगे कौन सा सफर करेगी। कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया था, मिडॉन में फील्डर है 30 यार्ड सर्कल में, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक एक रन और एक रनों की मदद से टीम की रन संख्या पॉजिटिव हुई 15 रन, अभी भी 16 रनों की यहां पर आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। देखिए लास्ट बॉल है सेकंड पावर प्ले की, क्या कमाल की गेंदबाजी की है दोनों भी गेंदबाजों ने, और यही होता है जब आप अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं तो आने वाले जो ओवर्स होंगे वो अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर भी शरीर को झोंकने का प्रयास किया तो डॉट बॉल की समाप्ति, ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट, और दो ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर रन संख्या पहुंची है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 15 रन, अब आने वाली 18 गेंदें बची है और 16 रनों की आवश्यकता। त्याच दरम्यान मानकिवली नाईट टुर्नामेंटचे यशस्वी आयोजक निलेशजी काळेकर देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना आमची विनंती आहे की आपण मंचावरती यावं, आपलं देखील सहर्ष स्वागत। तो 15 रन टोटल स्कोर कार्ड पर जुड़े हैं, आप बात करेंगे आने वाली गेंद है टोटल 18 और 16 रनों की आवश्यकता। नए बॉलर गेंदबाजी के मार्ग पर सेकंड स्पेल में फिर से एक बार प्रवीण यहाँ पर आते हुए, प्रवीण की गेंदबाजी की बात करेंगे तो प्रवीण ने पहले स्पेल में रन खर्च किए थे 7 और सेकंड स्पेल में फिर से एक बार खुद के कंधों के ऊपर जिम्मेदारियां बनाते हुए, क्या ये ओवर मैच में थोड़ा सा कम रनों वाला होगा तो शायद इस मुकाबले में और भी तगड़ी ताकत के साथ बनी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है गेंदबाजों के सामने, रन संख्या कम है, बल्लेबाज आसानी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और लंबे अरसे के बाद यहां पर बात करेंगे ये रन देखने को मिले इस ओवर में, क्योंकि डबल लगातार देखने को मिले जिसका फायदा मिला बल्लेबाजों को, और जो प्रेशर था थोड़ा सा बल्लेबाजी करने वाली टीम जय कोलंबा माता शेलू वो थोड़ा सा दबाव हटाती हुई। दोस्तों इसके बाद कहीं मत जाइए, तलोजा MIDC यानी कि पनवेल विभाग से और एक टीम आपके सामने होगी जो है 11 वेलकम उत्साह ने बनाम गुरु 11 शेलू टीम के बीच अगली लड़ाई होगी। टैप करने की कोशिश हल्के हाथों से, रन आउट का मौका बन सकता था लेकिन इन में थे बोला बैट्समैन वहां पर रनिंग में, तब एक रन यहां पर पूरा करते हुए और एक रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 16 रनों के ऊपर। देखिए अब यहां पर सोच एक ही होगी, आप आने वाली जो जितनी भी टीमें होंगी 6 टीमें उनके लिए तो एक सीख जरूर होगी क्योंकि वो सही समय के साथ इस टूर्नामेंट में आ चुके हैं, उन्होंने मैच भी देखे होंगे कि ये विकेट है ना बिल्कुल गेंदबाजों को मदद दे रही है। पहले मैच में भी 4 ओवर में सिर्फ रन बने थे, मेरे ख्याल से 27 या 28 बने थे जब फर्स्ट सेमीफाइनल खेला गया था, वहां पर परास्त किया कलम टीम को चांदई टीम ने और मेगा फाइनल में उनको प्रवेश बिल्कुल मिल चुका है। इनमें से जीतेगी वो फ्रेश मैच है बिल्कुल, आज के 8 टीमों में से ये पहला मैच। यहाँ पर शॉट अच्छा है, डीप लॉन्ग लेग और फाइन लेग के बीच में से गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर और यह आएगा पहला चौका पारी का, बल्लेबाज थे वहां पर रोहन के बल्ले से 4 रन। के बाद यह पहला चौका आता हुआ 4 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई यहां पर बात करेंगे 20 रनों के ऊपर, अब जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 11 रनों की आवश्यकता। देखिए कॉन्फिडेंस अभी भी है फील्डिंग करने वाली टीम यहां पर जय भवानी अर्बन टीम को कि मैच अभी भी बनाया जा सकता है, लेकिन इनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि थोड़ा सा स्थिति नाजुक बन रही है अर्बन टीम के लिए।
हाफ ट्रैकर की बॉल कट करना चाहते थे, बैकफुट पॉइंट के बीच में से बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं, डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई। लाइन अच्छी है लेकिन एक खराब गेंद ने वहां पर चौका दिला दिया बल्लेबाजी करने वाली टीम जय कोलम्बा माता शेलू को, क्योंकि बीच बीच में आप डॉट गेंदे फेंकते हैं वहां पर लगातार प्रेशर बना रहता है बल्लेबाजों के ऊपर, लेकिन एक आध खराब गेंद जो चौका आता है उसकी वजह से आपके ऊपर फिर से एक बार गेंदबाज के ऊपर थोड़ा सा दबाव रहता है। ओवर द विकेट से ये प्रयास कर रहे थे बार बार और आखिरकार गली के रीजन में गैप निकालने में कामयाब, गेंद सीमा पार, चार रन। तो इसी चौकों की मदद से रन संख्या बनी है 24 रन, अब जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 रनों की यहां पर आवश्यकता है। मैच पूरी तरीके से खुला हो चुका है, अब बल्लेबाजी करने वाली टीम जय कोलम्बा माता शेलू टीम के लिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, क्या कमाल की बल्लेबाजी की है बल्लेबाज रोहन शेलार के माध्यम से, डबल सिंगल्स लेते रहे, बीच में खराब गेंद मिले चौका बटोरते रहे और ये मैच मात्र जीत की ओर लेकर जाते हुए। लो फुल टॉस बॉल ऑन साइड में खेला है, मिड विकेट में वहां पर फील्डर दूर से आते हुए उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक एक रन लेने का पर्याप्त समय और एक रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंची है 25, आप जीतने के लिए 13 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता है। क्या जब बड़ा हिट 6 लगाकर मैच फिनिश कर पाएंगे, जो 2011 का वर्ल्ड कप हिंदुस्तान के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने श्रीलंकाई टीम के खिलाफ लगाकर फिनिश किया था, क्या वो 6 रन बड़े शॉट से निकलेंगे या आसानी के साथ एक एक लेकर ये मैच फिनिश करना चाहेंगे। हाफ ट्रैकर की बॉल फिर से एक बार कट करना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं, डॉट बॉल की समाप्ति, ओवर नंबर 3 हुआ कंप्लीट और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या है 25 और जीतने के लिए अब गेंदे बची है 12 और 6 रनों की आवश्यकता। तो महत्वाची अनाउंसमेंट है सर, खिलाड़ियों पुनः एकदा सुवर्ण संधि ओमसाई कांसई क्रिकेट संघ यांनी आयोजित केलेली तुम्हाला गावदेवी चषक 2022 वर्ष पहिले नाईटची स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळेल, गुरुवार 24 मार्च ते रविवार 27 मार्च ही तुम्हाला स्पर्धा पाहायला मिळेल। प्रथम पारितोषिक 1,00,000, द्वितीय पारितोषिक 50,000, तृतीय पारितोषिक 25, चतुर्थ 25 आणि पाचवं पारितोषिक देखील 25,000 रुपये देऊन त्या संघांना गौरवण्यात येईल। स्पर्धेचे ठिकाण स्वर्गीय दाजी बेंडू भोईर मैदान ढोके च्या मैदानावरती तुम्हाला ही स्पर्धा पाहायला मिळेल। बदलापूरमध्ये 15,000 प्रवेश फी आणि एकूण 5 पारितोषिक या स्पर्धेमध्ये असतील। तर ओम साई कांसई आयोजित गावदेवी चषक 2022 ही नाईटची स्पर्धा येणाऱ्या 24 मार्च तुम्हाला 27 मार्चला पाहायला मिळेल। थँक्यू, त्यांचेही मनापासून धन्यवाद। बालूदादा मुंडे दमदार नेतृत्व राहिलेत, युवा नेतृत्व त्यांच्या माध्यमातून देखील आणि निखिल जवान यांच्या माध्यमातून तुम्हाला बदलापूर म्हणजेच दहिवली बेन्शिलच्या मैदानावरती तुम्हाला नाईटची स्पर्धा पाहायला मिळेल, त्यांचंही मनापासून स्वागत करूया। मागचा कोविडचा वाढता प्रादुर्भाव त्याच्यामुळे भरपूर स्पर्धा रखडल्या गेल्या आणि आज मात्र त्या स्पर्धा तुम्हाला पुन्हा एकदा नव्या उमेदीने पाहायला मिळत आहेत। तो गेंदबाजी की बात करेंगे तो अब मैच यहां पर 12 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता है। यहां पर प्रमोद गेंदबाजी के लिए 12 में 6 बचाने हैं, अगर ये ओवर मेडन जाता है तो आप बच सकते हैं वरना ये मैच जल्दी फिनिश हो सकता है। बढ़िया बल्लेबाजी रही, पहले विकेट की बात करेंगे, गणेश सस्ते में लौटे, राजू तरे सस्ते में लौटे, रोहन ने पारी को संभाला, 8 गेंदों में 14 रनों की शानदार पारी, शॉर्ट इनिंग जरूर है बट स्वीट इनिंग जिसे कहा जाएगा और फास्ट इनिंग, 8 गेंदों में 14 उन्होंने जरूर बटोरे। 12 गेंदे 6 रनों की आवश्यकता, मैजिक स्पेल अगर फेंकेंगे तो मैच में शायद बने जाएंगे लेकिन क्रिकेट है उसमें भविष्यवाणी जताना ये बहुत बुरी बात है, क्रिकेट अनिश्चित भरा खेल जाना जाता है, अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाती तब तक भविष्यवाणी करना ये गलत बात है। यू मिस आई विल डेफिनेटली स्विंग एंड आई मिस क्लीन बोल्ड, मिडिल स्टंप उखाड़ के निकाल दिया, ये तीसरा विकेट मैदान छोड़ता हुआ जय तूच आमचा अभिमान, तूच आमचा मान आई एकविरा, तुझ्या मुले आहे आमचं आयुष्य हे छान,
अग्री कोल्यांची मराठ्यांची कुलस्वामिनी आई एकविरेचं सुमधुर संगीत तुम्ही डीजे रॉनी यांच्या माध्यमातून ऐकताय. अगर पनवेल में जाओगे डीजे मैडी सैंडी और नितिन आएंगे. अगर कर्जत में आएंगे डीजे रॉनी आपके सामने बिल्कुल एक सुमधुर संगीत पेश करते हुए. थैंक यू. और ये टूर्नामेंट जो कवरेज की जा रही है tennisicket.in इनके माध्यम से संतोष डानेकर एंड गौरव सावंत एंड टीम, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जाइए बेल आइकॉन के ऊपर सब्सक्राइब करें. पूरे महाराष्ट्र नहीं इंडिया में जो भी उनके होस्ट है वो आपके मोबाइल सेट पर जरूर आपको रिमाइंडर आएगा. तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए. बढ़िया टेनिस क्रिकेट की वेबसाइट आपके सामने नजर आती हुई. ये भी मौका बनेगा, खुद फॉलो थ्रू में गेंदबाज, लेकिन चलिए क्यों गलती कर रहे. आसान नहीं होता गेंदबाज को अपने फॉलो थ्रू में कैच लपकना. एफर्ट बढ़िया था, 100% परफॉर्मेंस देने की कोशिश की थी, लेकिन कैच मात्र पूरी तरीके से छूटता हुआ बल्लेबाज को मिला जीवनदान. और मैडी जीवनदान के साथ एक रन भी मुकम्मल, और एक रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 26 रन. 5 रनों की अभी भी आवश्यकता है. सोचो इस गेंद के ऊपर विकेट जाती तो यह दूसरा लगातार विकेट भी जाता, डॉट बॉल भी गिर सकती थी, लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं था. मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए. नसीब बदले या ना बदले, वक्त जरूर बदलता है. वक्त पलटा था, वक्त ने साथ दिया था, लेकिन वो साथ छोड़ा यहाँ पर गेंदबाज ने. कैच लेना चाहिए था, क्योंकि जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहां स्ट्रगल नहीं होता वहां सक्सेस भी नहीं होता. स्ट्रगल करना होगा, खुद को गेंदबाजी के ऊपर फोकस रखना होगा, और फील्डरों को साथ देना भी बहुत जरूरी होगा. राइट आर्म ओवर द विकेट से यॉर्कर का प्रयास, तेज है, गति है इस गेंदबाज के पास, बना सकते हैं, लेकिन विकेट कीपर से हुई गलती. और ये ओवर थ्रो तो जरूर था, लेकिन वाइड बॉल का इशारा अंपायर का. चलिए सोने पे सुहागा, 1+1 दो रन मुकम्मल होंगे, और इन दो रनों की मदद से टीम की रन संख्या जय कोलंबा माता शेलू 11 टीम की 28 रन. अब सिर्फ और सिर्फ 3 रनों की आवश्यकता. पानी तर पानी घेऊन जायचं मैदानात. तर आयोजन कमिटीला विनंती करतो पाणी घेऊन जायचं मैदानात. तो चलिए खिलाड़ी तुरंत जाइए मैदान के अंदर. चर्चा जारी थी टेनिस क्रिकेट वेबसाइट की, जो बढ़िया ऊंची चैनल tennisicket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tennisicket.in को सब्सक्राइब करें और वर्क है ना आउटस्टैंडिंग है, हैट्स ऑफ यू. कमाल की योग जो है ना वो क्षण चित्र लेने में बिल्कुल कामयाब होते हैं, और ड्रोन कैमरे के सहायता से इस टूर्नामेंट का आपने पूरा लेखा जोखा देखा. कितना बढ़िया ग्राउंड खिलाड़ियों के लिए, जो जैसा ग्राउंड होना चाहिए वैसा ग्राउंड बिल्कुल आपको यहां पर नजर आता हुआ. पहले ही मैच में फर्स्ट सेमीफाइनल खेला गया था आज की देर रात्रि में, वहां पर बढ़िया जीत हासिल की सांदई टीम ने कलम टीम को परास्त करते हुए, और सीधा मेगा फिनाले में प्रवेश किया है. और आज फ्रेश इन 8 टीमों में से एक टीम मात्र आगे जाएगी, और यह पहला मुकाबला जहां पर लो स्कोर का मैच आपके सामने नजर आता हुआ. 3 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, और लगभग गेंदे 10 बची है, यानी कि मैच पूरी तरीके से अब आ चुका है गिरफ में बैटिंग करने वाली टीम जय कोलंबा माता शेलू टीम के लिए. राइट आर्म ओवर द विकेट से, देखिए आपके पास गति है तो आप लगातार वो तेज गेंदे ऑफ स्टंप से नजदीक से फेंके. आप यॉर्कर के कोशिश में कहीं ना वाइड गेंदे गिरे, उसकी वजह से आपको तकलीफ हो सकती है. बेहतरीन गेंदबाजी, ये भी अच्छी है गेंद, लेकिन शॉट उतने ही बेहतर. डीप लॉन्ग ऑन में आकर खिलाड़ी गेंद को उठाएंगे, फील करेंगे एक एक के साथ मात्र मैच में अब ये जीत हासिल करने की कोशिश करते हुए. 29 लॉस ऑफ 3 विकेट, 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर 29 रन है. अब सिर्फ और सिर्फ 2 रनों की आवश्यकता. खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चित है, खुद से थोड़ी सी हारी भी नजर आ रही है, लेकिन बाजी पलटने में देर नहीं लगेगी. अभी भी यहां पर एफर्ट तो कर रही है, लेकिन सीधा बॉलर के बगल से खेलाई गेंद को वी शेप, जिसे सबसे सुरक्षित स्ट्रोक कहा जाता है. मैच फिनिश हुई, मुकाबला जीता जय कोलंबा माता 11 शेलू टीम. कांग्रेचुलेशंस एंड टीम जय भवानी अरवन, हार्ड लक नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए, आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और नेक्स्ट मैच के लिए जय कोलंबा माता शेलू टीम को बेस्ट ऑफ लक.